वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुलगुल एंटरटेनमेंट और विनय किशोर प्रभु के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, शाम के 4 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आज मैं पूरा दिन बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रही थी क्योंकि मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं था। और कि आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैंने प्रण लिया था कि 9 दिन साड़ी पहनूंगी, 2 दिन पहन के मेरा हर टाइट हो गया है। वो लाइट चलाने गई थी, लाइट तो चलाया ही नहीं मैंने। और मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि सुबह का पूजा जो है वो मम्मी ने कर दिया था और शाम की जो पूजा है वो मैं करूँगी। शाम हो चुकी है, 4 बज गए, अभी थोड़ी देर में खाना वाना बनाना स्टार्ट हो जाएगा। आज देखते हैं कौन सी नई रेसिपी बनाएंगी मम्मी। काशी गई हुई है मूवी देखने के लिए और वो तो सुबह निकल गई थी, तैयार हो गए नहा धो के। मेरा आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, कल राशि का आलस डे था, आज मेरे लिए आलस डे है। कबूतरों ने तो फिर से जमावड़ा बना लिया है, रोज़ साफ करो, रोज़ ये टट्टियाँ फैला देते हैं कि यहाँ पे कुछ हटना कबूतर, ये भी अलग टट्टी है और कुछ कबूतर यहाँ बैठ जाते हैं, क्या बहुत ही बुरा लगता है यार। इतना साफ करो उसके बाद भी अगर साफ ना हो। कबूतरों ने तो अपना पूरा हब जमा रखा है इस घर पे। हेलो गाइज, क्या हो गया बेटा, नाराज हो तुम? चोनमा नाराज हो तुम? ओ चोनमा नाराज हो तुम? भूखी भूखी लग गई, चलो। उसको लग रही है भूख। आज ना सारा काम पड़ा हुआ है, देखना जरा सारे बर्तन अभी रसोई ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मम्मी का तो फास्ट है और मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी। जब से मैं बर्तन मांज रही हूँ तब से इस लड़के ने मुझे तंग कर रखा है, बिल्कुल तंग कर रखा है। कहाँ जाना है तेरे को? छत पे जाना है। क्यों जाना है? अरे मंजा फंस गया उसके पैर में। किसके? कबूतर के। तो क्या तू वो है रेस्क्यू टीम वाला? अच्छा तो मेरे को लेके क्यों जाना है, जा चल जा अकेला चला जा। काटने के लिए तो तू काट नहीं सकता है? काट तो सकता हूँ, हद होती है यार। चलो कैसे अटक गया पता नहीं, गीत लग गई उसके पैर में। गीट लग गए किस चीज से? अरे रिमोट से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग छत पे, छत पे किसी कबूतर के पैर में मंजा फंस गया है तो मंजा निकालने के लिए। वो काटेगा नहीं, देख के तब भी देख के। कैची नहीं है ना? नहीं कैची नहीं है इसलिए। तो एक चींटी भी चल रही है ना उसमें, पता नहीं क्या चींटी था क्या था। जल्दी काट दे बस, तुझे सिर्फ चाकू से ही काटना पड़ेगा। इसका पैर कट जाएगा ये इससे, पैर में बिल्कुल बुरी तरह फंसा हुआ। अब क्या करेगी? अरे इससे पैर से निकालूंगी ना इसको। मंजा मंजा हटा दो। मेरा ही मंजा तो नहीं है। किसका है? पता नहीं, बता यार इसको। देख के तेरे उंगली की तरफ देख रहा हूँ। हब भी दिया उसकी दर्द हमारे उसका भाई भी इधर का ही है, तेरे पास में होगा उसका भाई। देख कुछ हिल रहा होगा ना, इसका भाई हो। पहले मुझे भी डरा दिया था, क्या है अब ज़्यादा गंदे तरीके से फंस गया इसका पैर। गीट भी तो बड़ी नहीं, नहीं तो चक्कू घुसा के काट देते आराम से। नीचे लेके चले गए क्या? रुक जा, ये चाकू की नुक्की घुसा के देख रहा आराम से। इसमें पड़ गई है गांठ, कैंची से ही कटेगा। अब कांटे वैसे कैंची भी तो रही है। गैस के पास ना कैंची पड़ा होगा, फिर देख लिए मैंने पहले ही। अरे गैस के पास कैंची पड़ा हुआ है, नहीं तो माइक्रोवेव के ऊपर कैंची पड़ा हुआ है। तू जाके देख क्या थी? नहीं मैं नहीं जा रही। रुक जा बेटा रुक जा। हो गया बड़ा गीत हो रहा है इसका। रुक जा बेटा बस हो गया हो गया। इसका कोई भाई भाई दबके तो नहीं मर रहा है? पता नहीं वो गत्ते के नीचे आगे जा रहा है क्या? भाई साहब तुमने तो हगा के मेरे ऊपर पूरा वो कर दिया, शाबाश। वो देख देख तेरे पास में हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया
आखिर को हम लोगों ने वो कर दी, मतलब तूने। ओह आजा आठ पंची। ये था इसके पैर में फंसा हुआ, और पता नहीं किस जाहिल इंसान ने यहाँ पे वो कर रखा है। तू ही तो नहीं है वो जाहिल? नहीं मैं नहीं हूँ। मासूम सा बेचारा। मैं जब भी पतंग उड़ाता था पहले इसको भाई निकले थे। तुम्हारे पैर में फंसा हुआ है क्या? नहीं कुछ फंसा हुआ नहीं। दे दुकान अंकल ने मिल गए। हट हट। किसका है ये? पता नहीं। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा। अंदर रख दे, अंदर रख दे। वो कुर्सी है ना, कुर्सी में रख दे। गेट बंद कर दो। इसका वो चढ़ लेता हूँ। वो जगह मेरे ऊपर ही हग दिया। जो बचाने के लिए आए उसको ऊपर ही हगना है। बच्चा था ना तो उसके मंजा पैर को फंस के ना सूज गया था। अब कैची ढूंढ रही थी, कैची मिला नहीं। धीरे 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 करके उसके गार्ड को खोला, निकल गया। चलो नहीं तो फिर वो बेचारे का एक टांग में फिर दिक्कत होती उड़ने में। उसने पता क्या किया? वहाँ पे ना मंजा रखा हुआ था, मंजे से उसके पैर में ऐसे फंस गया, वो पूरा पैर सूज गया था। फिर उसको निकाला तो उसका पैर तो मैंने मतलब पैर कह रही वो तो निकाल दिया मैंने, और मेरे ऊपर ही टेररिस्ट ने वो कर दिया। शिट पीजन शिट। चले मेरा बर्तन मांजना तो हो गया है। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के रेडी हो जाती हूँ, पसीने से आ गए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं तो रेडी हो चुकी थी बहुत देर पहले, और मम्मी ने प्रसाद भी बना लिया। आज बनाया मम्मी ने प्रसाद में, ये है समा के चावल के पराठे। मैंने बोला था मैं पूजा करूंगी, लेकिन मम्मी पूजा कर रही है। और इसे देखो ब्लॉगिंग करने का टेबल सही से पकड़ मेरी बेटी है वो। कपूर डब्बे में आज मेरे नहीं पक्का रखा है सही से। मारा मेरी पुचकी को मारा। ओहो हो मारा रे, सबने मिलके मारा, घूसों से मारा, हाथों से मारा, पटक पटक के मारा। आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, क्योंकि अभी पुचकी रोने लगी है तो उसको सुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको सुलाते सुलाते मैं खुद सो जाऊंगी। चलिए मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को पत्थर फेंक के मारना जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है।